वेलकम गाइस माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज मेरे पास है बजाज कंपनी की प्रेस। तो दोस्तों कस्टमर बता रहा है कि इसमें कुछ दिक्कत बिल्कुल चल नहीं पा रही है। दोस्तों चलिए इसे खोल लेते हैं। तो इसके पिछले वाला हिस्सा मैंने खोल लिया, जहाँ पे वायर लगी हुई है। आपको कुछ इस प्रकार खोल लेना है। और सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, इसकी जो लीड है उसे चेक कर लेना है। तो मैं तीनों वायरों को अच्छे से छुड़ा लेता हूँ और उसके बाद देख सकते हो कहाँ कैसे लग रहा है। उसके बाद इस लीड को चेक कर लेना है। तो देख सकते हो मैंने चेक कर ली है कि लीड नहीं चल पा रही है। तो स्विच वायर की मदद से चेक करते हैं। तो अंदर सप्लाई अच्छे से जा रही है या नहीं जा पा रही है। देख सकते हो सप्लाई अंदर अच्छी तरह से जा रही है। और अपन इसकी लीड को खोल लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या दिक्कत आ रही है अंदर। चलिए मैं इसे खोल लेता हूँ जल्दी से। तो मैंने तीनों वायर को अच्छे से खोल लिया। और दोस्तों जो ये केप लगी हुई है यहाँ पे क्या होता है कि दो नट लगे हुए थे, तो इसको अच्छे से हेड़ने के लिए पहले तो ये काम भी कर लेना होता है आपको। तो ये नीचे से दो नट खोले, उसके बाद ही आपकी अच्छे से खुल पाएगी ये। तो मैं जल्दी से खोल लेता हूँ और उससे पहले मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ से भी कंप्लीट बता रही है, इसमें राड वाली है दोस्तों, इसमें पता नहीं लगता है। चलिए इसके बोल्ट खोल लेते हैं। तो कम ज़्यादा करने का जो वेस होता है दोस्तों ऑटोमेटिक वाला, वहाँ पे स्क्रू लगे हुए थे दो। तो मैंने खोल लिया है स्क्रू और पीछे से मैंने खोल लिया है। तो इस प्रकार ये खुल चुकी है। और चलिए इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ। एक स्क्रू हल्का सा रह गया है इसका, सॉरी यार दोनों रह गए। जल्दी से मैं इसे स्क्रू को खोल लेता हूँ, आपको अच्छी तरह से खोल लेना है कुल मिलाकर। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों एक छोटा सा काम और बताने वाला हूँ आपको, वो जरूर कर लेना है। तो वह काम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो आपको अच्छी तरह से निकाल लेना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सावधानी के साथ में निकालना दोस्तों, वायर को कहीं पे छूट ना जाए। दोस्तों वीडियो जरूर लंबा हो जाएगा लेकिन बारीकी से आपको इसमें समझाने की कोशिश करूंगा मैं। जैसे कि मैंने निकाल दिया ये, और अब इसको चेक करते हैं रोड को, ये कंप्लीट चल पा रही है नहीं चल पा रही है। ये इसके इंडिकेटर है, इंडिकेटर भी मुझे लगता है जहाँ तक तो कंप्लीट चल रहा है। फिर इसको चेक कर लेते हैं। तो फिर से मैंने सीरीज वायर ले लिया है और एक बार इससे अच्छी तरह टेस्ट कर लेते हैं। देखते हो कंप्लीट चल गई है, यानी कि चल तो कंप्लीट रही है। इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है वो अपन इसमें चेक करते हैं। देख लो तो गर्म भी हो गई है दोस्तों ये। यहाँ से तो कंप्लीट चल रही है। चलिए मैंने चेक कर ली है दोस्तों ये, और बाकी मुझे इसमें ज़्यादा मिस्टेक ना लगी। नॉर्मल ही इसके जो छोटे छोटे जो बोल्ट होते हैं दोस्तों वो इसके लूज हो रहे थे, तो मैंने टाइट कर लिया है। आपके भी कभी ऐसे दिक्कत आए तो हल्का सा खोल के अच्छी तरह से आप चेक कर ले, कहीं ये चल नहीं रही तो उसका कारण तो ये तो नहीं है। राड तो बहुत कम चांस में चलती है, बाकी आप चेक कर ले एक बार।
तो चलिए इसमें से फिट कर लेता हूँ, और फिट करते समय आपको बहुत सावधानी बरतनी है। और जो मैं लास्ट में जो कुछ बात बताने वाला था दोस्तों, ये है, आप इतने भाई लोग मेरे वीडियो को देखते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ऐसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, उससे बहुत मोटिवेट मिलता है मुझे। और दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूँ मैं आपसे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना आपके दोस्तों के साथ, तो उसको भी पता लगे कैसे क्या होता है। चलिए मैं इसे फिट कर लेता हूँ। किसी भी प्रकार की आपको समस्या आए तो मैं व्हाट्सएप नंबर मेरे जो है मेरे इसके टाइटल में मैं दे दूंगा या फिर स्क्रीन पे दे दूंगा, वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे और पहुँच सकते हो इसके बारे में। तो मैंने इसको फिट कर ली है और मैं इसके आगे के स्क्रू जो है होल्डर के उसको मैं अच्छे से कस लेता हूँ, जैसे कि मैंने उसको कस लिया कम्प्लीटली, और उसको होल्डर को मैं अच्छे से फिट बटेर लेता हूँ। अब बारी है इसके मेन लीड लगाने की, तो मेन लीड कैसे लगानी है एक बार टेस्ट कर लेते हैं, चल तो रही है फिर वापस से वही दिक्कत आ रही है, जो दिक्कत आ रही थी जो मैंने नेटवर्क का टाइट किया था वही दिक्कत तो नहीं आ रही वापस, तो वो दिक्कत तो नहीं आ रही है दोस्तों इसमें, एक तो कम्प्लीट चल गई है। इंडिकेटर तो क्योंकि मैंने सीरीज में लगा के चेक किया तो इसलिए नहीं चल पा रहा है, इसका इंडिकेटर भी चला के देखेंगे, इससे वापस छुड़ा लेते हैं। और दोस्तों अगली जो वीडियो आने वाली है मेरी अगली, वो मान के चलो कभी भी जैसे मेरी वीडियो आती रहती है, देखते मैं टीवी के बारे में बताऊंगा आपको, तो ये मेरा दोस्त है जो टीवी रिपेयरिंग करता है, मैं टीवी रिपेयरिंग के बारे में भी कभी आपको बताने की कोशिश करूँगा, आपके भी कभी दिक्कत आए उसकी रिपेयरिंग के बारे में बताऊँगा। तो चलिए इसकी जो मेन लीड है उसको लगाते हैं, और देख सकते हो आप ये उसमें तीन वायर आते हैं, उसको एक को हटा के मैं दो वायर लगाएंगे, वो तो मैंने हटा ही दिया है, इसमें अंदर ही किसी जगह अटैच कर दिया है, उसको आपको कोई दिक्कत नहीं, कहाँ पर अटैच कर सकते हो, मैं तो नेगेटिव पॉजिटिव वायर होते हैं उसका आपको ध्यान रख लेना है। तो चलिए उसे मैं नट को अच्छे से कस लेता हूँ, तो पहले वाला मैंने कस लिया है, और थोड़ा सा तार इधर उधर हो गया है, चलिए ये तो मैंने अच्छे से कस लिया, कुछ इस प्रकार से आपको कस लेना है, और सेकंड नट को मैं अच्छे से कस लेता हूँ। कुछ तार उधर हो गए हैं, चिमटी की मदद से इसे अच्छा करना तो मैंने कर लिया है, और इसे लगाते हैं। तो ये तो मैंने कस लिया है कंप्लीट, और हल्का सा रह रहा है इसे टाइट कर लेते हैं, यानी कि यहाँ से तो मेरे को फ्री। अब इसकी टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं चल पा रही है नहीं चल पा रही है, और इंडिकेटर नहीं चल पाया दोस्तों, तो क्या तकलीफ आ रही है, इंडिकेटर क्यों नहीं चल पा रहा है अपन देखते हैं इसके, शायद हो सकता है लीड कहीं से वीक हो रही हो तो कट नहीं जा पा रहा हो। तो दोस्तों लीड तो कम्प्लीटली है, और फिर भी इसे एक बार प्लग में लगा के देखते हैं, जैसे मैंने लगाया देख सकते हो इंडिकेटर कंप्लीट चल गया, यानी कि ये कंप्लीट चल गई है दोस्तों। चलिए इसे वापस फिट कर लेते हैं दोस्तों, उसमें नॉर्मल मिस्टेक्स की जैसे कि इसके डेबरी थी वो मतलब लूज हो गई थी रॉड वाली, उससे मैंने टाइट कर लिया है, कभी कभार क्या होता है लीड वगैरह भी ख़राब हो जाती है दोस्तों, आपके भी कभी ऐसे हो जाए। और इसके बारे में कुछ मैं कह रहा था पूछना चाहते हो आप, तो मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा आपको, व्हाट्सएप पे ये डायरेक्ट कॉल करके भी पहुंच सकते हो आप। चलिए मैंने फिट कर ली है, और नीचे से एक कैप है, तो यहाँ पे दो स्क्रू लगे हुए थे उसको भी आपको कसना है, क्योंकि बॉडी अच्छे से अगर आप टाइट नहीं कस पाओगे तो दिक्कत आएगी आपको,
कि ये बार बार निकल जाएगी तो रोड जलने का बहुत खतरा रहता है। जैसे कि मैंने दोनों स्क्रू को अच्छे से कस लेना है और वो प्लेट भी वापस आपको इसमें लगा लेनी है। तो स्क्रू तो मैंने लगा लिए हैं और प्लेट मेरी कहाँ रह गई यार। चलिए प्लेट को ढूंढ लेता हूँ, प्लेट किधर पड़ी हुई है। तो प्लेट मुझे मिल गई है और प्लेट को अच्छे से इसको फिट कर लेना है जैसे आपने निकाली थी। और प्लेट छोटा पेचकस की मदद से मैंने लगा ली है और एक बार इसकी टेस्टिंग और कर लेता हूँ मैं। दोस्तों कंप्लीट चल चुकी है, तो मैं लास्ट में एक ही बात कहना चाहता हूँ, दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे आपसे मोटिवेट तभी मिलेगा जब हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे आगे मौका मिलेगा वीडियो बनाने का। तो दोस्तों ये काम करते हुए आपको जब भी मेरा वीडियो आप देख रहे हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे तभी जब सब्सक्राइब करोगे आप, तो सब्सक्राइब करके चलते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।